क्यों ये मस्जिद मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है क्योंकि वो अवैध लोगों को, अवैध मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है। तो ठीक है, कल के डेट में बीच रोड पे बन जाएगा। शिमला में मौजूद संजोली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर बीते दिन शिमला में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद अब हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की प्रतिक्रिया आई है। नहीं, जायज तो ये अवैध तो अवैध होता है, अवैध चाहे जब मंदिर अगर भी होता है तो अवैध तो मंदिरों को तुरंत तोड़ देती है सरकारें, लेकिन जो अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, रोड पे बीच में बन जाते हैं, उसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध तो अवैध है ना, जो वैध तरीके से है उसके लिए चलो ठीक है गाइडलाइन के अंदर, लेकिन जब अवैध बुचड़खाने हो, अवैध मस्जिद हो या अवैध चर्च हो या अवैध हिंदू धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक ही तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ये मस्जिद मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा, तो ये दुर्भाग्य। तो खूब कह रहे हैं इसमें जो है बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, वो चाहती है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं। नहीं नहीं, अवैध मस्जिद का विरोध करना हिंदू कर रहा है और हर राष्ट्रवादी को करना चाहिए, तो इसमें बीजेपी या कांग्रेस कहाँ से, बल्कि कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है क्योंकि वो अवैध लोगों को, अवैध मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है। तो ठीक है, कल के डेट में बीच रोड पे बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो मस्जिद जो बना है उस समय शासनकाल में बीजेपी के लोग थे, तो गलती बीजेपी से हुई है और अभी बोल रहे हैं कि इसको तोड़ो। भाई देखो, कोई ना कोई रहता है तब तो इनको और वो करना चाहिए। जब बीजेपी के कार्यकाल में मस्जिद बना, अवैध मस्जिद बना, तो अब ये है तो इनको तुरंत उसको हटाना चाहिए कि भाई बीजेपी के कार्यकाल में गलत हुआ, हम हटा रहे हैं इसको, हटा दो ना, उस पर क्या आपत्ति है। अगर किसी ने कर दिया स्थानीय लेवल पे, बीजेपी के किसी ने मान लो उसके वो में कर दिया, अब बीजेपी थोड़े जाके कह रही कि तू बनाओ, या कोई भी पार्टी थोड़े कहती है, तो अब तो तुम्हारी सरकार है, उसको तो तुम हटाओ ना, हटाते क्यों नहीं अवैध चीज़ों को। क्या अगर कोई, इसका मतलब तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो कि विपक्ष पे जो भी होगा अगर अवैध कुछ भी कर देगा तो हम उसको छुएंगे नहीं है। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कार्रवाई का विषय है, और वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनका पूरी तरह से अभिनंदन करते हैं और समर्थन करते हैं, और वो ठीक है, ये देश, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, इसी तरह की राष्ट्रभक्ति देश को बचाएगी।